यहाँ पे हमने प्लग इन कर दिया है मशीन को, तो अभी अब यहाँ से ये जो आप रेड वाली बटन देख रहे हो, यहाँ से हमें पावर ऑन करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे हमने प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे लाइट जली, तो ये अब पावर ऑन हो चुका है। इसके बाद ये येलो कलर का जो बटन दिख रहा है आपको, येलो कलर का, इस पर इसे प्रेस करने से जो इसकी हीट होती है, जो सील करने के लिए जो गर्म किया जाता है इसके व्हील को, उसके लिए हमें इस येलो वाले बटन को प्रेस करना होता है। तो अभी अब हमने यहाँ पे येलो वाले बटन को भी प्रेस कर दिया, तो ये अब हीट होने लगा है। हीट होने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ लगे हुए हैं कि हमें कितना हीट करना है, ठीक है। 0 डिग्री टेम्परेचर से लेके 300 तक इसमें दी हुई है कि आप हीट करा सकते हो इस मशीन को। तो नॉर्मली जो अगरबत्ती के लिए पाउचेज यूज होती है, उसे हीट करने के लिए हमें 100 के अराउंड रखना होता है। आप 100 से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हो, 110-120 भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अभी हम इसको 110 पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 100 के बाद ये अगला 110, ठीक है। तो इसे हमने इसे टेम्परेचर को जो है एडजस्ट कर लिया है, और अब जब ये इसका जो हमने टेम्परेचर फिक्स किया है, जब ये इस टेम्परेचर के अराउंड पहुंच जाएगा, इसकी टेम्परेचर जो हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रेड बटन है वो ऑन हो जाएगा। तो हम इसका टेम्परेचर वाला जो स्विच है उसे ऑफ़ कर देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देख सकते हैं आपकी जो जितना टेम्परेचर हम लोग चाह रहे थे उतना ये गर्म हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग जो इसका टेम्परेचर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें यदि ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसे ठंडा करने के लिए इसके अंदर फैन लगी हुई होती है, जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक इसके लिए स्विच दी हुई है फ़ैन करके, यहाँ पे देख पा रहे हो फ़ैन। तो जब हम इसे चला देंगे तो यहाँ पे इसका फ़ैन चलने लगता है, जिससे कि ये इसका ठंडा हो जाएगा। तो ये तब होता है जब ये ज़्यादा गर्म हो चुका हो या बहुत देर से मशीन चल रहा हो, तब इसका यूज किया जाता है। बाकी आप इसे बंद करके भी रख सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला होता है कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट चलाने के लिए यहाँ से ये वाला जो वॉल्यूम है आपको दिख रहा होगा, इससे आप कन्वेयर, इस वॉल्यूम के माध्यम से आप कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, अभी अगर इसको कम कर देंगे तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सामान्यतः यही है इसका ऑपरेट करने का। इसके बाद इसमें एक इमरजेंसी बजर करके दिया हुआ है, इमरजेंसी स्टॉप के लिए, कि यदि आपके मशीन में कहीं भी कुछ भी दूसरी समस्याएं आती है जिसके कारण पाउच फंस रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये वाला जो आप बटन बजर देख रहे हो, स्टॉप बजर, इसको आप जस्ट एक प्रेस कर दोगे तो सारा मशीन लॉक हो जाएगा। तो मशीन जो है ये रेड वाला बजर को प्रेस कर देने से जो मशीन है वो टोटली लॉक हो जाएगी और आपका मशीन पूरा रुक जाएगा। फिर से यदि हमें इसे दोबारा से चालू करना हो तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि देख पा रहे हो कि इसे हमें मूव करना होगा जिस डायरेक्शन में ये इसमें चिन्हित किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव करके छोड़ देने से मशीन अपने आप फिर चालू हो जाएगा। फिर से यदि हमें इसे स्टॉप करना होगा तो जस्ट इसे प्रेस कर देते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। फिर यदि हमें चालू करना होगा तो जस्ट इस डायरेक्शन में घुमा के हमें छोड़ देना है तो मशीन अपने आप चालू हो जाता है। अभी अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पैकिंग कैसे होती है, किस टाइप से इसकी पैकेजिंग बनती है। तो अभी हम अपना कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये थी मशीन को यूज करने से पहले की कुछ सामान्य परिचय जो हो सकता है मशीन का, सामान्य इंस्ट्रक्शंस थी जिसे कि हमें फॉलो करना होता है। अभी अब इसके आगे हम लोग पाउचेज पैक करके देखते हैं, अगरबत्ती, चूँकि हमारा बेस प्रोडक्ट है अगरबत्ती, तो इसमें हम लोग अगरबत्ती को पैक करके देखते हैं कि किस टाइप से उसकी पैकिंग होती है, कैसा दिखता है पैकिंग होने के बाद और कितना टाइम लगता है पैकिंग होने में। फिर उसके बाद हम लोग प्राइस वगैरह की बात करेंगे,
कैसे आप मंगवा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। यहाँ से अभी हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पाउच को पैक किया जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग, अभी अब हम लोग ये हमारा जो अगरबत्ती का पाउच है, तो इसमें हमें जो भी प्रोडक्ट पहले फिल करना है वो प्रोडक्ट इसमें फिल कर लेते हैं, फिर इस मशीन के ऊपर हम लोग सीलिंग का जो काम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान के चलते हैं कि हम इस पाउच के अंदर 20-20 स्टिक यदि डालनी है हमें, तो मैनुअली हमें 20-20 स्टिक करके गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे हमने एक लड़ी में रखने योग्य अगरबत्ती काउंट करके रख लिया है। तो पहले हम लोग इसे एक लड़ी के अंदर रख लेते हैं इस अगरबत्ती को, और फिर इसकी पैकिंग करके हम लोग आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पर देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो मिस मत करिएगा कहीं पर भी वीडियो को। और ये काफ़ी आसान होता है, आपको इसमें कहीं भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ये जो भी काम है ये घर पे बैठे कोई भी गृहिणी वगैरह भी कर सकती है। भैया अचानक याद आ गए ना।